हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीच बॉक्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया प्ले स्टोर पर आ चुकी है एंड इसका अर्ली एक्सेस आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इसे खेल सकते हो एंड इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक न्यूज़ निकल के सामने आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये जो ऐप है, मतलब ये जो गेम है BGMI, ये हमारा डेटा चाइना को भेज रही है। तो क्या ऐसा करने पर यह ऐप को बैन किया जा सकता है और क्या ये ऐप सही में ऐसा कर रही है, जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ऐसी भी बात नहीं है कि जो डेटा लीक्स वाला जो न्यूज़ है वो फेक है। इस पर आपको ING पे एक आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रूफ्स मिल जाएंगे। जब आप ये गेम खेलते हो तो उस दौरान ये गेम बहुत सारे IP एड्रेस का यूज़ करती है, मतलब कि नेटवर्क का यूज़ करती है। तो उसमें एक नेटवर्क, मतलब एक IP एड्रेस आपको चाइना का भी देखने को मिल जाएगा। मतलब कि आपका डेटा, गेम का नहीं आपके फ़ोन का भी डेटा चाइना जा रहा है। और इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि हमारे फोन का डेटा भी चाइना भेजना पड़ रहा है। जब ये गेम आई थी तो इस पे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको प्राइवेसी के बारे में भी बताया था कि हमारा जो डेटा है वो बस इंडिया या फिर सिंगापुर के सर्वर में स्टोर या प्रोसेस किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कहीं और भेजा जा सकता है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमारे फोन का भी डेटा चाइना भेजना पड़ रहा है। एंड आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारा डेटा और कहीं जाता तो वो सेफ रह सकता था, उसके सेफ रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन चाइना में हमारे डेटा का कैसे भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को बोलती है कि आपका पूरा का पूरा डेटा मुझे चाहिए तो वो कंपनी को डेटा देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देगी तो वो लफड़े में पड़ सकती है। सो इसके अकॉर्डिंग ये चांस ही नहीं बनता है कि चाइना में हमारे डेटा की प्राइवेसी रखी जाएगी। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसे कामों के बाद ये जो ऐप है या गेम है ये बैन हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले बार उतने चाइनीज ऐप्स को बैन करने का रीज़न क्या था। सिंपल से बात है कि जो हमारा डेटा था वो चाइना जा रहा था। एंड इस बार भी अगर ये गेम ने ऐसा ही किया तो ये गेम बैन पक्का हो जाएगी। और इंडिया का कोई भी यूज़र ये नहीं चाहेगा कि उनका जो डेटा है वो चाइना भेजा जाए एंड हमारे ही देश के खिलाफ यूज़ किया जाए। सो आई होप कि जो BGMI ऐप है वो जल्दी इस चीज़ को क्लियर करे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि उनको जो हमारा डेटा है वो चाइना भेजना पड़ा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी पानी आने वाला है तो जाता हूँ नीचे। सी यू अगेन।